सो फ्रेंड्स, अभी जो है कि मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अभी यहाँ पर जो है कि आपको दिखा देता हूँ जो मैं टॉप 5 अपने इस लिस्ट में ले रखा हूँ और उन्हें आप कैसे यूज कर सकते हो और इन्हें कैसे यूज करना है। और इन सभी एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहीं से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस लिस्ट में। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो एक है डिवाइस इन्फॉर्मेशन 360, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहीं से ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो डाउनलोड करने के बाद बंद करोगे तो सिंपली कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप डिवाइस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरीके से आओगे तो यहाँ पर आपको डिवाइस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मॉडल नंबर हो गया और भी जो कौन सा फ़ोन है। और उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें बहुत सारे डिटेल आप निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर CPU इन्फॉर्मेशन पर आओगे तो यहाँ पर CPU की इन्फॉर्मेशन सारी निकल जाएगी, और यहाँ पर रैम की आ जाएगी और GPU की भी आ जाती है। और उसके बाद यहाँ पर बैटरी की आ जाती है, बैटरी इन्फॉर्मेशन की कितने परसेंट अभी बैटरी है, कौन सी बैटरी है, कितने MAH की, ये सब आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है कि क्या स्टोरेज है, और उसके बाद यहाँ पर अवेलेबल है इंटरनल स्टोरेज की नहीं है वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा, और कितने GB की है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कौन सा है नेटवर्क टाइप, मतलब कि LTE है या फिर कोई और है। और यहाँ पर डाटा टाइप तो यहाँ पर मोबाइल है, अभी वाईफाई नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर आप आओगे इस तरफ तो यहाँ पर आपको और भी डिटेल सेंसर की डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारा डिटेल निकल आएगा, आपके डिवाइस का जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तब आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा इस एप्लीकेशन में। सो बढ़ते हैं अभी हम अपने इस लिस्ट में जो सेकंड एप्लीकेशन है वो एक है 3D लाइव वॉलपेपर। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को भी ओपन कर लेता हूँ, और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जो है कि पता चल ही गया होगा कौन सा एप्लीकेशन है। तो ये दरअसल एक वॉलपेपर एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वॉलपेपर मिल जाते हैं 3D वॉलपेपर। तो यहाँ पर आपको जो भी वॉलपेपर अच्छा लगे वो वॉलपेपर आप सेट कर सकते हो अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पर एक वॉलपेपर जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और अभी ये लोड हो रहा है वॉलपेपर। सो हमारा इस लिस्ट में जो थर्ड एप्लीकेशन है वो एक राउंडर लाइट है RGB, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहीं से आप इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को जो कि ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद ही कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कलर वगैरह आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना कि किस तरीके का आपको कलर चाहिए। जैसे कि अभी मुझे ये वाला चाहिए तो मैं सेट एज वॉलपेपर पे जैसे क्लिक कर देता हूँ, और ये भी एक वॉलपेपर की तरह ही है। और यहाँ पर देख सकते हो कितना कूल लग रहा है हमारा फ़ोन, और इसमें जो कि आप इसका जो साइज़ है बॉर्डर लाइट का, इसका आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से अपना कस्टमाइज कर सकते हो। जो कि अभी मुझे इतना बहुत ही अच्छा लग रहा है तो अभी मैंने इसे सेट करके रखा हुआ है। और अगर आप अपने फ़ोन को नाइट में जब यूज करते हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपका फ़ोन देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। सो अभी हम बढ़ते हैं अपने इस लिस्ट में जो फोर्थ एप्लीकेशन है हमारा। तो अभी हमारा जो फोर्थ एप्लीकेशन है उसका क्या काम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और इस एप्लीकेशन का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहीं से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को भी ओपन कर लेता हूँ, और जैसे मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे दो स्टिकर मैंने ले रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कितने 6 स्टिकर ले सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर आगे ऐड करना है तो आप आगे भी ऐड कर सकते हो। तो अभी मैंने 2 लिए, उसके बाद यहाँ पे जैसे इसे इनेबल करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ चुका है और स्टिकर यहाँ पर। और अगर मैं आपको और भी ऐड करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैं एक और लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे 3 हो गए स्टिकर, और जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अगर आपको और भी स्टिकर चाहिए तो और भी आपको बहुत सारा स्टिकर मिल जाता है, तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना। तो मैंने 3 या 4 ही डाउनलोड करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको और भी अच्छे लगे तो वो आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर जैसे मैं ये वाला भी एक डाउनलोड कर लेता हूँ, तो अभी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि स्टिकर है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टिकर चलते हैं हमारे फ़ोन की स्क्रीन जो है उस पर इधर उधर ये घूमते रहते हैं और ऊपर जाते हैं फिर गिरते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, आप जब अपने फ़ोन को यूज करोगे तो ये बीच में इस तरीके के आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर एक और मैंने स्टिकर जो कि ये ले लिया, डाउनलोड पर क्लिक किया, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी मैं इसे भी ऐड करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक और ये है, ये वाला जो कि मैं ऐड कर दिया एक, अब मेरे 4 हो गए। तो चारों स्टिकर जो कि कुछ इस तरीके से चल रहे हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस एप्लीकेशन का काम ही दरअसल यही है। तो आप जैसे अपने फ़ोन को यूज करोगे तो इसी तरीके से आपके फ़ोन के स्क्रीन पर चलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे कि अगर आपको इन्हें बंद करना हो तो आप बंद कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दोबारा से अपने उसी एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है, और उसी एप्लीकेशन के अंदर आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर आपको बंद करने का आइकन मिल जाता है, यहाँ पे जैसे ऑफ कर दोगे ये सब बंद हो जाएगा, ठीक है।
अभी हम पढ़ते हैं हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट एप्लीकेशन बच रहा है उसका क्या काम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहीं से आप डाउनलोड कर लेना। जैसे आप इस एप्लीकेशन को अपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपसे परमिशन मांगेगा, तो इसे आप परमिशन अलाउ कर दीजिएगा जो भी परमिशन मांगे आपसे। उसके बाद जैसे आप परमिशन देते हो उसके बाद यहाँ स्किप पे कर देना, इसे स्किप कर स्किप करोगे तो यहाँ पर जो कि आपको ये आपको यहाँ पर टैप करना पड़ेगा एक बार, ऐड अपना फ़ोटो अपना ऐड करना पड़ेगा, जिससे भी आप अपना फ़ोटो वीडियो जो भी बनाना चाहो आपको यहाँ पर पहले एक फ़ोटो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले यहाँ पर जो कि कुछ इस तरीके से आएंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके का आपको फ़ोटो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिससे कि ये भी मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हो जो बबल चल रहे हैं तो इसी तरीके से जो कि चलेंगे आपके भी फ़ोटो पे। तो यहाँ पर आप भी अपना फ़ोटो कुछ इसी तरीके से बना सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि इस एप्लीकेशन में जो कि आप अपना भी फ़ोटो ऐड कर सकते हो। यहाँ पर कैमरे पर क्लिक करके आप अपना फ़ोटो भी ले सकते हो। तो अभी मुझे वैसे अपना फ़ोटो नहीं लेना है, सो अभी यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ से जैसे मैंने इसे हटा दिया, उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखोगे नीचे भी आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर आप नीचे भी यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कुछ इस तरीके के टेम्पलेट्स हैं, इनमें भी आप अपना फ़ोटो लगा के वीडियो बना सकते हो। यहाँ पर ऐड फोटो जो लिखा था यहाँ पर क्लिक करके अपना फ़ोटो बना सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।